गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम CBSE के लिए 12th फिजिक्स में हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अल्टरनेटिव करंट। अगर हम बात करें RBSE के अंदर, ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है RBSE के अंदर 10th नंबर पर है, यानी उसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, 10th। तो यानी अगर हम CBSE की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7, क्लियर, दैट इज अल्टरनेटिव करंट। और अगर RBSE में बात करें हम, तो RBSE में है ये चैप्टर नंबर 8 के नाम से, चैप्टर नंबर 10 के नाम से है, सेम हेडिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने करंट के बारे में पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम करंट के बारे में ना पढ़ के हम करंट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे जनरेट होता है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, उसके अलावा जो सर्किट में उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने करंट के बारे में सुना होगा कि जो करंट है वो टू टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते हैं DC, क्लियर। डायरेक्ट करंट को हम किस नाम से बोलते हैं, DC। एक होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, AC करंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिव करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो DC करंट होता है, तो सबसे पहले एक बार DC के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जो DC करंट होता है इसको हम डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं। यानी डायरेक्ट का मीन्स क्या हो गया कि अगर हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में, अगर हम यहां पर टाइम लेते हैं, ठीक है ना, और यहां पर करंट लेते हैं, तो देखिएगा जो डायरेक्ट करंट है उसके लिए जो लाइन है वो कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। यानी जो डायरेक्ट करंट है वो अल्टरनेटिवली चेंज नहीं होता है, अपने उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो या तो पॉजिटिव में ही रहेगा या फिर वो नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी वह करंट जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना, यानी ए करंट दैट नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द डायरेक्ट करंट। यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, इधर क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखिए, DC करंट जरूर नहीं कि हमेशा इस तरह से ही हो, ये भी DC करंट का एग्जांपल है, यहाँ पे T हो गया, ये I, ये भी DC करंट ही है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये X एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये X एक्सिस के पॉजिटिव में ही है, तो ये भी कैसा हो गया, DC करंट हो गया, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स DC करंट बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, यानी असमान, ये हो गया समान, यानी इक्वल DC, और ये कैसा हो गया, अनइक्वल DC, ठीक है। लेकिन है दोनों DC, क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा है कि जो करंट I है वो X की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। अब जैसे कि अगर हम बात करें आपके घरों में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी वगैरह होती है उसकी बात करें, तो उसके अंदर कौन सा करंट होता है, DC करंट होता है, ठीक है। अगर हम DC करंट की फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, देखिएगा, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी किसी भी वेव के द्वारा पर सेकंड जितने ओसिलेशन किए जाते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ओसिलेशन के अंदर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड भी होगा और नेगेटिव, लेकिन डीसी के अंदर क्या होता है, या तो कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा या फिर वो कम्प्लीटली नेगेटिव भी हो सकती है, डीसी नेगेटिव में भी हो सकती है। तो उस केस में वो इस वाली एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है,
शून्य होती है। अब फ्रीक्वेंसी शून्य होगी तो आपसे पूछ सकता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टी कितना होता है, 1/f यानी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, यानी जो डीसी करंट होता है उसकी जो टाइम पीरियड है वो नॉट डिफाइंड होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें डीसी की कुछ प्रॉपर्टी है कि जो डीसी है आपने छोटी क्लासों में 9th-10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, यानी जैसे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस के थ्रू करंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उस केस में हमेशा किसका यूज किया जाता है, डीसी करंट का यूज किया जाता है। तो डीसी करंट के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि डीसी करंट क्या होता है, कि ए टाइप ऑफ करंट इन विच ओसिलेशन एग्जिस्ट इन द वन साइड, लाइक एज पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, केवल एक ही साइड में, यानी जिसकी, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, कि डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ ए वेव डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। तो ये कुछ डीसी करंट की प्रॉपर्टी थी कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, उसका जो टाइम पीरियड है वो इनफिनाइट होता है, क्लियर। अब देखिएगा, हम बात करते हैं एसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एसी के बारे में। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट। बच्चों, एसी या अल्टरनेटिव करंट के बारे में तो यहां से क्या पता लग रहा है डीसी के रेस्पेक्ट में, कि डीसी में कोई भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती थी। अगर यहां पर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन और ये क्या हो गया पॉजिटिव करंट के लिए। अब देखिए, अगर कोई भी करंट, ठीक है, इस तरह से फ्लो होता है कि वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट होता है, इस तरह के जो करंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। यानी एक करंट दैट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है प्लस से और माइनस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। यानी ये एक्स एक्सिस हो गया तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में भी क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अब इसके काफ़ी ग्राफ हो सकते हैं अल्टरनेटिव करंट के अंदर, देखिएगा ये वाला भी अल्टरनेटिव करंट का ही एग्जाम्पल है, ये वेव है, लेकिन ये कौन सी होगी, ट्राइंगुलर अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, ये साइनोसोइडल होगी, ठीक है ना, साइनोसोइडल यानी साइन वेव की फॉर्म में, ये कैसी होगी, ट्राइंगुलर अल्टरनेटिव करंट होगी। ऐसे ही आप इस तरह से भी, जैसे हमने ये भी कैसी करंट होगी, ये भी एक अल्टरनेटिव करंट है, देखो क्यों, देखो इसमें पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में दोनों ही केस में क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में ही वेव के ओसिलेशन हो रहे हैं, इस तरह से ये कैसे करंट हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर आप बात करें इंडिया के अंदर, ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है, आप देखना कभी भी, उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होगी इस तरह से कम्प्लीटली, कि उसका जो एसी है वो, अगर एसी में ऑपरेट होता है तो वो जैसे 220 से लेके 240 वोल्ट तक दे रखा होगा और 50 हर्ट्ज तक, यानी ये वोल्टेज की बात करें तो कितने वोल्टेज तक वर्क करता है, 220 तक से लेके 240 तक, और इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये कितने पे बात करता है, 50 फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, यानी एसी करंट की जो वेव है एक सेकंड में 50 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, कितने टाइम चेंज करती है, 50 टाइम, यानी एक कंप्लीट ओसिलेशन में अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट साइकिल होगी, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओसिलेशन, यानी एक एसी करंट है वो कंप्लीट ओसिलेशन में, देखो यहां से चलता है तो फर्स्ट टाइम यहां पे जीरो होता है और यहां पे भी वापस से क्या हो गया, जीरो, यानी एक साइकिल में कितने टाइम, टू टाइम क्या होता है,
जीरो होती है वैल्यू, क्लियर करें देखिएगा। तो यहाँ पर इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज, तो यानी यहाँ पर कितने टाइम हो गया, 100 टाइम, यानी जो भी आपके बल्ब वगैरह है वो एक सेकंड में 100 टाइम ग्लो होते हैं और एक सेकंड में 100 टाइम ही क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है, यानी बंद होते हैं और वापस से जलते हैं और बुझते हैं 100 बार, ठीक है। लेकिन हमारी जो आई है वो 1/10 तक के ही जो सेंसन है उन्हीं को क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 50 हर्ट्ज पर वर्क कर रहा है, इसका मींस क्या, उसके एक सेकंड की अगर बात करें तो वो एक सेकंड में 100 टाइम ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये एसी की कुछ प्रॉपर्टी होगी, हमने बात की थी कि एसी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, उसकी वैल्यू लगातार क्या होती जाती है, चेंज होती है टाइम, वो कभी पॉजिटिव में होगी और कभी नेगेटिव में होगी, कभी पॉजिटिव में होगी और नेगेटिव। अब देखिएगा जो एसी अल्टरनेटिव करंट है, अगर हम उसकी इक्वेशन की बात करें तो अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन होती है I=I0 sin ωt, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन ओमेगा टी है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं इसके बारे में एक बार बात करते हैं और ये इक्वेशन कैसे आती है। ये टाइम पीरियड हो गया टी, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी आई के लिए और ये कैसी होगी, नेगेटिव। आपको बताया साइन वेव के लिए हम जब बात करते हैं तो साइन वेव कौन सी होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी साइन जीरो पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ये वैल्यू मान लेते कि ये, और ये क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, आई नोट से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वापस से डिक्रीज होने लग जाती है। आपको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी पे होती है, 90 डिग्री पर होती है, कितने पे होती है, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू पर, ठीक है। ये वापस से जीरो होगी, यानी साइन आपको पता है पाई पर भी कितना हो जाता है, जीरो, ये तो जीरो भी हो ही गया, क्लियर। मैक्सिमम कितने पे पहुंच गया, पाई बाई टू पे। इसके बाद आपने देखा होगा 180 से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो साइन नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव में मैक्सिमम है वो कितने पर पहुंच जाता है, 3π/2 पर, क्लियर। और फिर वापस से आपको बताया कि 360 पर, यानी 2π पर साइन कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस तरह से ये वेव लगातार चलती है, क्लियर। यानी यहां से साइन जीरो, ठीक है, कितना हो गया, जीरो हो गया। साइन पाई बाई टू पर जो साइन की वैल्यू है वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, यानी ये आई नोट है वो किसको डिनोट करता है, मैक्सिमम करंट को डिनोट करता है, यानी ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो आई नोट को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोलते हैं उसकी, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या मैक्सिमम करंट बोलते हैं, क्लियर। अब देखिएगा ये आई होती है, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। कौन सा करंट हो गया ये, इसका इंस्टेंटेनियस करंट, यानी आई है इंस्टेंटेनियस और आई नोट है ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है। साइन यानी ये वेव कैसी वेव है, साइन वेव है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो पर जीरो होती है, पाई बाई टू पर मैक्सिमम होती है, पाई पे वापस से जीरो, इसलिए ये क्या हो गया, साइन वेव होगी, ठीक है। ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये प्रत्येक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करती है, प्रत्येक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो क्या कहलाती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों देखिए अगर हम बात करें टाइम की, तो आपको पता है कि किसी भी वेव के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल, यानी यहाँ तक 2π तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, क्लियर। तो देखिएगा पहले तो हम अल्टरनेटिव करंट की बात कर लेते हैं एक बार वापस से, कि इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी होती है, आपको याद रखनी है साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों ओमेगा को हम कह सकते हैं 2π/f, लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2π/f। तो यहां से हम आई बराबर ये भी लिख सकते हैं हम साइन 2π/f(t), ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन होती हैं, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ से तो ये साइन वेव होगी। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें इस इक्वेशन के अंदर कि जो 2π डिस्प्लेसमेंट है उस कितने टाइम में हो रहा है, वो टी टाइम में हो रहा है, यानी जो टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी भी वेव के द्वारा एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेव का टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड समझ के कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन ओसिलेशन, ठीक है ना, नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ एनी वेव। यानी यहाँ से यहाँ तक का यानी 2π के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया, टी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा जब हाफ के लिए ये हाफ वेव होगी उसके लिए टाइम पीरियड कितना हो गया, T/2, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, T/4। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 3T/4। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वापिस से टी। क्लियर, यानी टाइम पीरियड की बात करें तो एक कंप्लीट ओसिलेशन में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो उसको किससे नोट किया जाता है, टी से नोट किया जाता है। फर्स्ट जो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो T/2 टाइम तक, और जो नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल है वो T/2 टाइम तक ही रहेगी, क्योंकि टी में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये भी कितना आएगा, T/2 ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी साइन वेव, कोई भी अल्टरनेटिव करंट है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है और सेकंड हाफ साइकिल में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दिए गए, ठीक है ना, आप उनसे नोट्स लें, और उसके साथ साथ आपको सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है, तो आपके जो PDF नोट्स हैं उनमें से वही टॉपिक आपको राइट डाउन करने हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उनको आपको राइट डाउन नहीं करना है। वैसे तो मैंने काफ़ी बार सिलेबस के अंदर अपडेट कर, ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया है, सिलेबस को भी अपडेट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं, विद पेज नंबर हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि उसके पास नहीं है कि सर पता नहीं है मुझे किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं, तो वो वापस से एक बार नोटिफाई करा दे, ठीक है, रिमाइंड करा दे, हम उसको वापस से सेंड कर देंगे। लेकिन आपको केवल वही टॉपिक नोट करने हैं जो आपके सिलेबस में है। और CBSE ने तो सिलेबस को काफ़ी पहले अपडेट कर दिया था, लेकिन RBSE ने तो अभी एक दो दिन में ही सिलेबस को क्या किया है, अपडेट किया है, सैटरडे को अपडेट किया है। तो RBSE वाले बच्चे भी अपने बुक के अंदर वही टॉपिक सेलेक्ट करें, वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, और आपको नोट्स में से भी वही टॉपिक राइट डाउन करने हैं जो सिलेबस में है। देखिएगा अगर हम बात करें CBSE की, CBSE ने लगभग 30% सिलेबस रिमूव किया है, और RBSE ने लगभग 40% सिलेबस रिमूव किया है। RBSE के अंदर कुछ टॉपिक ज़्यादा थे तो उन्होंने, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग दोनों का लगभग इक्वल ही क्या बचा है, सिलेबस बचा है, और टॉपिक भी क्या है, सेम ही है, 99% टॉपिक सेम है, कोई एक या दो टॉपिक में डिफरेंस है, वो भी प्रत्येक चैप्टर में नहीं है, किसी एक दो चैप्टर में डिफरेंस है, अदरवाइज आपके फिजिक्स के अंदर जो सेम सिलेबस RBSE में है वही सिलेबस किस में है, CBSE में है। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स में वही टॉपिक नोट करें जो आपके सिलेबस में है। अब देखिएगा टाइम पीरियड की बात कर चुके थे हम कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि किसी भी वेव को एक कंप्लीट ओसिलेशन लगा करने में, ये कंप्लीट यानी 2π डिस्प्लेसमेंट तय करने में कितना समय लगता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एफ से नोट करते हैं, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/T। क्लियर, अब बच्चों देखिएगा हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। तो आपने देख लिया होगा यहाँ से
एक दो में चलो छोटे छोटे गलत और बताता हूँ जो आपको आगे कन्फ्यूज करेंगे, तो इससे देखिएगा। फर्स्ट ग्राफ देखिएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ ये वाला देखिए, ये ग्राफ कौन सा है, ये साइन ग्राफ है, ठीक है ना। आपको बताया साइन की जीरो के लिए जीरो पाई बाई टू पर मैक्सिमम, और अगेन पाई पर जीरो हो जाता है, वापस से थ्री पाई बाई टू पर मैक्सिमम और टू पाई पे अगेन जीरो, यानी ये कौन सा वेव है, कौन सी ग्राफ हो गया है, साइन ग्राफ हो गया है। तो इसको हम सीधा लिखें, अगर इसकी इक्वेशन लिखें डायरेक्ट तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू साइन थीटा, ये किस ग्राफ की सिंपल इक्वेशन होगी, क्लियर। अब देखिएगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, तो देखिएगा यहां पर जब t बराबर जीरो है, ये इधर टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये करंट होता है i। अब देखिएगा t बराबर जीरो पर जो करंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये तो यहां पे हुआ है मैक्सिमम, कहाँ पे, पाई बाई टू पर जाके। लेकिन इसमें देखिएगा टी बराबर जीरो पर ही करंट क्या है, मैक्सिमम है, आई नोट, ठीक है, मैक्सिमम है। अब देखिएगा ये इसकी इस ग्राफ की इक्वेशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू कोस थीटा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोस जीरो कब होता है, कोस जीरो पर वैल्यू कितनी है उसकी, वन होती है, यानी मैक्सिमम होती है। इस केस में देखिएगा जीरो पर वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम है, यानी ये किसका ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे वाला इधर, यानी इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कोस पाई बाई टू पर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी इसलिए ये इक्वेशन किसकी है, कोस की इक्वेशन है, ठीक है। ये कौन सी होगी, साइन वेव होगी, ये कौन सी वेव होगी, कोस वेव होगी। अब देखिएगा अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाता हूँ, नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा, ये देखिए आपको न्यूमेरिकल में या बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से देखिएगा अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जीरो हो गया, ये वैल्यू है, ये पाई बाई टू पर है, आपको पता है नेगेटिव में है मैक्सिमम आई नोट, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है वो किसका होगा, वाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा का। देखो है साइन थीटा का, क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है, पाई बाई टू पर मैक्सिमम आ रही है, लेकिन किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव वैल्यू पाई बाई टू पर है, इसका मतलब ये ग्राफ कौन सा हो गया, नेगेटिव ग्राफ हो गया, क्लियर। तो देखिएगा ये नेगेटिव ग्राफ हो गया। अगर मैं इसको नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ के अंदर देखिएगा यहां पर जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन किस में है, वो नेगेटिव में है, यानी आपको बताया कोस जीरो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो इसकी जीरो पर, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा देख लेना, ये पॉजिटिव साइन थीटा है, ये कोस थीटा की है पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव साइन थीटा है, ये नेगेटिव कोस थीटा है, ठीक है, इसमें समझ में आ रहा होगा बिल्कुल इजीली। अब देखिएगा ये कुछ मैं लिखता हूँ बार बार कि साइन ओमेगा टी की बात करें, ठीक है ना, या साइन फाई की बात करें, देखियो एक फाई बार बार आएगा, हम जिसको हम क्या बोलेंगे, फेज एंगल, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब हमने ग्राफ बना दिया है तो हम बात कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा उसका। जैसे ये हमने साइन के लिए बना रहे हैं पॉजिटिव शुरू फर्स्ट केस में, ठीक है ना, ये जीरो हो गया यहां पे, इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया इसको, यानी बच्चों देखिएगा साइन जीरो है वो जीरो पर नहीं है, यानी यहां पर वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, यानी फेज एंगल। इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई। तो ये समझिए ये जो फाई है ये क्या कहलाता है, फेज एंगल कहलाता है, यानी जो वेव है
जीरो डिग्री से कितना आगे की ओर मूव कर रही है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फेज एंगल। ठीक है, ये मैक्सिमम वही पाई बाई टू पर हो जाएगा, ये जीरो हो गया यहाँ पर, तो ये इस डायरेक्शन में है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल फाई। ठीक है ना, अब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, कोस के लिए कितना हो जाएगा ये, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, अभी साइन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाई। थीटा माइनस फाई क्यों, क्योंकि इसने क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एंगल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये जो फाई है ये किसको डिनोट करता है, फेज एंगल को डिनोट करता है। तो ये कुछ बच्चों ग्राफ थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने इक्वेशन के बारे में बात की थी कि आई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये बस आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा टी क्या होता है, आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये टी क्या हो गया, टाइम पीरियड के लिए, टाइम के लिए उसका। अब देखिएगा, नेक्स्ट अब हम बात करें कि जो अल्टरनेटिव करंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट के बारे में। अब अल्टरनेटिव करंट का सिंपल जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से हम बनाते हैं कि अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करें, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रहेगी, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए बात करें तो एवरेज वैल्यू है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बच्चों तो ध्यान रखना कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एसी की एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, जीरो होती है, ध्यान रखना, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिव की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, शून्य होती है। तो बच्चों ये तो हमने करंट के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, आपको पता है कि जब हम लिखते हैं V इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर के, ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा, अगर हम इक्वेशन है आपके पास I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये एक करंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर हम इसको R से डिवाइड कर देते हैं, यानी इधर भी हमने R को डिवाइड कर दिया और इधर भी क्या हो गया, R से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन आई अपॉन आर, ये कितना हो गया, देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन आर। अब देखिएगा, अगर हम इसको लिखें कि डिवाइड करने की बजाय, देखो ये साइन की वेव होगी, साइन ओमेगा टी, यानी ये करंट की वेव होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि V इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, ठीक है, या फिर I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहां से अगर हम बात करें वोल्टेज की इक्वेशन, यानी अगर हम इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इंटू आर इक्वल टू आई नोट इंटू आर साइन ओमेगा टी, तो ये क्या होगी, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो ये किसकी इक्वेशन होती है बच्चों, EMF की इक्वेशन होती है, यानी वोल्टेज की इक्वेशन होती है। वापस से अगर हम बात करें V नोट की, तो V नोट क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन थी आपके पास आज के लिए, सिंपल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। कल हम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मीन वैल्यू है, पीक वैल्यू हो गई, RMS वैल्यू हो गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको टॉपिक, इसके जो रिलेटेड टॉपिक की जो PDF है वो मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।